दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। ठीक है बच्चों, तो फिर स्टार्ट करते हैं। हम हमारा क्या चल रहा था, पहला चैप्टर संख्या पंडिती नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हमने परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं सीखी थी। कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? जोड़, घटाव, गुणा और भाग, चार संक्रियाएं होती हैं, जिसमें से लास्ट क्लास में हम क्या सीख रहे थे, जोड़, है ना। लास्ट क्लास में हम जोड़ सीख रहे थे। बच्चों बताओ, भिन्नों का जोड़ करके देखा था हमने, तो भिन्नों का जोड़ एक बार सभी बच्चे बताएं कैसे करा था। परिमेय संख्याओं का जोड़ कर रहे थे, परिमेय संख्याओं का जोड़ और भिन्नों का जोड़ घटाव एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से एक सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। -2/5 बताएं कितना होगा, 3/4 -2/5, जल्दी से बताओ बच्चों कितना आएगा। सभी अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। बच्चों किसका कितना हुआ सॉल्व, मैं वीडियो कैमरा खुलवा के कॉपी चेक करूंगी। सभी बच्चे से कॉपी में सॉल्व करें, और हाँ कैमरा जो बच्चे खोल रहे हैं उसको फ्लिप करें, तब आपकी कॉपी दिखेगी। आपके उसमें देखिए इस तरीके का फ्लिप का निशान ऊपर आ रहा होगा, तो आपका कैमरा फ्लिप होके आपकी कॉपी दिखेगी। ठीक है, उस फ्लिप के निशान को दबाएं। बच्चा हो कितना हुआ, कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएं। कैमरा देखिए नीचे आपका माइक के पास एक वीडियो बना हुआ है, उसे ऑन करें, उसे ऑन करें। सभी बच्चे ऑन करेंगे, माइक के पास जो वीडियो बना हुआ है उसे ऑन करें। बच्चों ऑन करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ बच्चों कितना आएगा। भिन्नों का घटाव है, 3/4 -2/5 कितना होगा। कैमरे अभी तो सबके खुल रहे थे। हाँ, सतीश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है आपका दिख रहा है। आपने क्या किया, 4/5, ठीक है, फिर ऊपर आपने 3/5 से, -2/4 से, ठीक है, 15 -4 दुनी कितना होता है बच्चे, 4 दुनी बताएं, 2/4 से गुणा करें सही से। बाकी बच्चे भी दिखाएं अपनी कॉपी।
बच्चे सभी को सॉल्व करना है साथ साथ, तभी समझ में आएगा। जब तक मैथ खुद से लिख कर नहीं करोगे तब तक नहीं आ सकती। बिल्कुल सही, ठीक है। अब आप कैमरा ऑफ कर सकते हो, आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी सब बच्चे भी दिखाएं। दो मिनट रुको। बाकी बच्चे भी कैमरा ऑन करें। हाँ, बाकी और बच्चे दिखाएं। रितु टांग के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा माइक कैमरा ऑन करें, कैमरा ऑन करके कॉपी पे दिखाएं। नीचे क्या करना होता है, 4 की 5 से गुणा करनी होती है, और ऊपर कैसी गुणा करते हैं, क्रॉस में। तो 3 की 5 से -4 की 2 से, ऐसे ही तो करते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, 3 पंजे 15 -4 दुनी 8 -5 चौक 20। तो सबको समझ में आ रहा है। तो ये आपका कितना आ गया, 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 7, 7/20। क्लियर हुआ सभी को? तो सभी बच्चे साथ साथ कॉपी में सॉल्व करेंगे और अपनी कॉपी को दिखाएंगे। हाँ, ऊपर फ्लिप का निशान होगा कैमरे के ऊपर, उसे फ्लिप करें तो आपकी घुमा कॉपी ले होगा। रहे जब आपका चेहरा ही दिखा, आपने कॉपी की तरफ फ्लिप करें, ऊपर एक फ्लिप का निशान होगा कैमरा, ऐसे ये ऊपर दिखा रखा है मैंने, इस तरीके का निशान आएगा ये इधर और इधर, और बीच में एक वो होगा, तो वो फ्लिप हो जाएगा, उससे आपका कैमरे के कॉपी दिखेगी। नहीं यार। कॉपी की तरफ फोकस करो तो घुमा दो। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन का आंसर बताएं तब तक। हुआ आपसे फोकस बच्चे, कैमरा अभी ऊपर का ही दिख रहा है। नीचे का दिखा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बच्चे सॉल्व करो और उसका आंसर देना है सभी को। 4/5 -1/3, 4/5 -1/3 बताओ कितना होगा। करें बच्चे सॉल्व, जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर मैसेज में दें, और वीडियो ऑन करके अपनी कॉपी पे दिखाएं कैसे सॉल्व किया। 4/5 -1/3। बिल्कुल सही। सही है बिल्कुल आपका, आप कैमरा ऑन कर सकते हो। बाकी बच्चे भी दिखाएं जल्दी से, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। अब तो कर लिया होगा आप लोगों ने बच्चों, बिल्कुल पिछली क्वेश्चन की तरह दिया है मैंने ये क्वेश्चन, पिछला समझ आया था ना, यस मैम। तो इसे भी करके जल्दी से बताएं।
आपकी कॉपी, एक सेकेंड, सुरेश के नाम से ना, सुरेंद्र को खान के नाम से। हाँ, ऑन करें कैमरा। बेटा आपने कैमरा ऑन किया था, कैमरा ऑन करके कॉपी भी दिखाएं। आपका भी दिख रहा है, पंजाबी नाम ऊपर से से। कैमरा घुमा ले। 12 माइनस 5, 7/15। 12 कैसे आया? 4 की 3 से, और इधर 5 की 1 से। पहले बेटा 4 की 3 से पहले लिखा करो, फिर बाद में -5 का 1 से लिखो, ताकि पहले 4 3 12 दिखे, फिर -5। हाँ बिल्कुल सही। तो बस जो पंजाबी बाजार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा पहले आप इधर की गुणा लिखते हैं ऐसे वाली, फिर ठीक माइनस ऐसे वाली। तो पहले 4 की 3 से लिखो, फिर 5 की 1 से लिखो। क्यों? क्योंकि आपने पहले 5 की 1 से लिखी, तो आपका हो जाएगा 5 माइनस 12, और 5 माइनस 12 कितना होता है? -7। तो आपको 7 नहीं करना है, आपको पहले ये वाली करनी है, उसके बाद दूसरी वाली गुणा करनी है। पहले लेफ्ट से राइट को लेकर आओ, फिर राइट से लेफ्ट जाना। 4 3 12, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 7/15। क्लियर है ना सभी को? यस ठीक है, तो एक क्वेश्चन एक और सभी, क्वेश्चन दे हाँ एक क्वेश्चन, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। 9/4 और 14/20 को जोड़ना हो तो क्या होएगा योग? इनका योग बताएं बच्चों। बाद में सरल कर लें यदि आपका कुछ बड़ा आ रहा है आंसर। तो समान, यदि किसी की दो पहाड़े में दोनों संख्याएं आ रही हो, तो उससे भाग दे दें दोनों संख्याओं को। पोल में आंसर देना है बच्चों इसका। कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ सकते हो बच्चों, और साथ साथ कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी भी दिखा सकते हो कैसे सॉल्व कर रहे हो, तो मैं बता दूंगी कहीं नहीं समझ में आ रहा होगा तो। सभी बच्चे इसे सॉल्व करके आंसर पोल में दें। बच्चों क्या हुआ, नहीं आ पा रहा है? किसी का भी अभी तक आंसर नहीं आया। एक
आने लगे बच्चों वोट। भिन्नों का योग बताते पे हाँ आपका खुल गया कैमरा। कितना आया? 20 और फिर ये 118। और भाग दे सकते हो? बिल्कुल सही कर रहे हो। उसे और 2 से भाग दे तो आंसर आ जाएगा। हाँ सही है आपका आंसर। क्या करो बच्चों, या तो लासा ले लो, एलसीएम से करो। 4 और 20 का लासा बताओ कितना आएगा? वो सबसे छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आए। 4 से भाग दो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। 5 से भाग दोगे पूरा पूरा कट गया, तो एलसीएम कितना आ गया? 4 पंजे 20, तो 20 एलसीएम ले लो। कितना आ जाएगा? 9 की 5 से गुणा करनी है और इधर 14 की 1 से, क्योंकि इसका हर में तो 20 है ही। अब इसे सॉल्व करके जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। बिल्कुल सही। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें आप। कर दिया मैंने। बाकी बच्चे भी जल्दी से दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम आउट। बाकी बच्चे भी दिया करें। बच्चों किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो पूछ सकते हो। ए नहीं आएगा मैम आंसर, ए आएगा। ये आंसर इसका सही है। तो देखते हैं क्या होगा। हमने क्या करा, पहले 4 और 20 का एलसीएम ले लिया, लासा ले लिया। लासा एलसीएम कितना आया? 20। तो 20 हर में कौन वो ले लिया एलसीएम। यहाँ आपका हो गया 9, 4 पंजे 20, तो 9 की 5 से गुणा कर दी। और यहाँ आपका 20 एकम 20 होता है, तो 14 की 1 से गुणा कर दी। तो कितना आ गया? 9 पंजे 45 और 14 एकम 14 बटा 20। अब जोड़ दो, 45 में 14 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 59/20। तो 59/20 आपका कौन सा ऑप्शन है? ए। क्लियर है बच्चों? आपका आंसर क्या आ गया? ए, 59/20। सबको समझ में आया? ठीक है। तो इसके साथ साथ सभी को पूर्णांकों का योग और घटाव याद है। यदि मैं आपसे कहूं 45 -45 -14 तो कितना आएगा? जल्दी से बच्चे बताओ, -45 और -14 कितना होगा? ऋतु के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपकी कॉपी दिखती है पर आप फोकस नहीं करवा पाते हो, फिर अपने फ्लिप कर देते हो। -45 -14 कितना होता है? पूर्णांकों का जोड़ घटाव के समय आपने बताया था, पर चिन्ह भी ध्यान से बताएं। चिन्ह भी क्या होगा? नहीं बच्चों, अब तक किसी का सही नहीं है। माइनस का 59 आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं। दोनों माइनस के हों तो आंसर भी किस में आएगा? माइनस में। जोड़ तो होना ही है लेकिन -59 आएगा। ठीक है।
तो इसी के साथ साथ यदि मैं पूछूं -45 +14 हो तब? दोनों के चिन्ह भिन्न हैं तो क्या करोगे? जब चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तब क्रिया घटाव की होती है। चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, तो इसका बताओ -45 +14 का। अरे ये तब नहीं था मेरे पास। 45 का चिन्ह बड़ा है। -45 +14, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक, एक माइनस है एक प्लस है, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है। जब दोनों के चिन्ह यहाँ पे क्या है, भिन्न है, यहाँ पे दोनों के चिन्ह समान थे, दोनों माइनस थे। जब दोनों के चिन्ह समान होते हैं तो क्रिया जोड़ की होती है, तब तो आपने जोड़ दिया, 45 में 14 जोड़ा आपका 59 आ गया। जब चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तो क्रिया काय की होती है, घटाव की होती है। घटाएं 45 में से 14 घटाएं पहले, तो आपकी कॉपी पे दिख रहा है पर कहाँ सॉल्व किया है? ये तो बच्चे पुराना वाला क्वेश्चन लग रहा है। ये वाला बताएं, -45 +14, घटाएं 45 में से 14 घटाएं, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 4 में से 1 घटेगा 3, और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, तो 45 बड़ी है तो 45 निगेटिव है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, आंसर भी ऋणात्मक हो जाएगा। क्या आ जाएगा? -31। क्लियर हुआ? -31। जब दोनों के चिन्ह भिन्न होते हैं तब आपको क्रिया घटाव की करनी होती है और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। सबको समझ में आया ना? ठीक है, तो अब आगे एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। आपका है -15/14 +11/7, इसे बताओ कितना आएगा? -15/14 +11/7। ध्यान से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कहाँ दोगे? पोल सेक्शन में। जर भी नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ सकते हो बच्चों, और कॉपी भी दिखा सकते हो अपनी बीच बीच में कैमरा ऑन करके। तो -15/14 +11/7, क्या करोगे? पहले लासा निकालो दोनों के यस हरों का, दोनों के हर में जो संख्याएं हैं उनका लासा निकालें। 14 और 7 का लासा बताओ कितना आएगा? सर 14 और 7 का लासा कितना आया? लासा बताएं बच्चों, 7 से भाग दें, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 2 से भाग दोगे 2 एकम 2, ये तो है ही पहले से 1, तो लासा कितना हो गया? 7 दूनी 14, तो हर में क्या लेना है? 14। अब बताएं ऊपर क्या आएगा बच्चों?
आने लगे आपके आंसर, पर बच्चों ध्यान से प्लस माइनस ध्यान से देखिए, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक माइनस का है तो एक प्लस का है, तो सभी बच्चे ध्यान से बताएंगे। इधर भी आपका एक प्लस का है, एक माइनस का है। मैम हाँ, प्लस आएगा या माइनस ये और ध्यान से देख के बताइएगा। यहाँ 14 है तो यहाँ 15 की, माइनस 15 की एक से होगी, माइनस 15 की एक से गुणा होगी, और इधर आपकी 11 की दो से गुणा होगी। सभी बच्चे ध्यान से आंसर बताएंगे। एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है। जो आ रहे आंसर पर ध्यान से नहीं करा आपने, ये आपका -15 आएगा और ये प्लस का 22/14। तो अब बताओ कितना आएगा सॉल्व करके। एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। फिर जो आंसर आ जाए उसे सरल कर दो, यदि ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो। अभी मैंने आपसे पूछा था जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न हो, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो क्रिया काय की होगी, घटाव की। क्या करना है, घटाना है, और चिन्ह जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा वही चिन्ह आ जाना है। -15 प्लस 22, दोनों के चिन्ह क्या है, अलग अलग। अच्छा बच्चों सही से बताओ, -15 प्लस 22 कितना होगा? -15 प्लस 22, प्लस का 7 नहीं बचेगा, या फिर आप ऐसे समझ लो 22 माइनस 15, 22 माइनस 15 कितना हो जाता है, 7। घटाव है, दोनों को घटाव करना है, 22 में से 15 घटाओगे 7, बड़ी संख्या कौन सी है, 22, तो 22 का जो चिन्ह है वही आंसर का चिन्ह हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, 7/14। 7/14 को आप सरल करोगे तो कितना आएगा, 7/14 को सरल करेंगे तो क्या आएगा बच्चों बताओ। बताएं, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। 7 एकम 7, 7 दुनी 14। तो आपका भाग देकर क्या आया, बताओ एलसीएम लिया है और कितना आया आंसर, आंसर कितना आ रहा है, सही से फोकस करो बच्चे। हाँ, 7 दुनी 14 14, 37/14 कैसे आया, इधर को करो लेफ्ट साइड को थोड़ी कॉपी कैमरा। हाँ, आपने क्या करा, 15 की 1 से और 11 की 2 से, और उन्हें बीच में जोड़ दिया, पहले माइनस का साइन लगाया है 15 से पहले, थोड़ा कॉपी और इधर को करो, माइनस का साइन कहाँ गया, माइनस का नीचे माइनस का साइन आया, माइनस का 15 प्लस 22, तो 7/14 आया, ये तो मैंने ही लिखा है, तो 7/14 के आगे 37 हुआ, 14 कैसे लिखा है बच्चे, 7/14 आया है तो फिर आगे मैम 37/14 क्यों लिखा है आपने, 37 हुआ, 14 क्यों लिखा है, माइक ऑन करके बताएं। सात बटे चौदह का मतलब क्या होगा, 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 7 दुनी 14, तो आंसर क्या आएगा, 1/2। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी, बताएं बच्चों।
किस किसने अभी आंसर नहीं दिया है? मैंने तो दे दिया, बाकी सब बच्चे बताएं। मैंने भी दे दिया। समझ में आया? गलती समझ में आई आप बच्चों को अपनी? यस मैम। बताएं, कोई समझाएगा मुझे ये क्वेश्चन कैसे क्या आया आंसर? कोई समझाएगा माइक ऑन करके? चलिए फिर आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? सी, ऑप्शन सी सही हुआ। सभी बच्चों ने गलत आंसर दिया है। पहले तो पूरी क्लास पोल में आंसर नहीं देती है, और जिन्होंने दिया सबके गलत आंसर हुए। सभी को अब क्लियर हुआ कि 1/2 कैसे आया? -15/14 और 11/7। तो हमने एलसीएम लिया 14, तो ये आपका हो गया -15, और इधर आपका 2 से गुणा करनी होगी। तो 11 की 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 11 दुनी 22। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है पूर्णांकों का। अभी इसीलिए मैंने पूछा था -15 + 22 कितना हो जाएगा? 7। 7/14 कितना आ गया? 1/2। समझ में आया बच्चों? किसी को भी नहीं समझ में आया तो पूछो। इसीलिए कह रहे हैं पूर्णांकों का और भिन्नों का दोनों के ऑपरेशंस रिवाइज करते रहो, जोड़ घटाव गुणा भाग, तभी आपको परिमेय संख्याओं का जोड़ गुणा भाग आएगा समझ में। सेकंड आते हैं घटाव पे। सब सॉल्व करके बताएं, 13/4 - 7/3 कितना आएगा? 13/4 - 7/3। करा बच्चों किसी ने सॉल्व? एक मिनट मैम। सभी बच्चे तब तक करके कॉपी दिखाएं कैमरे में, जितना भी सॉल्व किया हो बताएं। दिखाएं पास से और दिखाएं कॉपी, फोकस सही से करें। ज्यादा पास से तो वो हो रहा है ब्लैक एंड। हाँ, आप दिख रही, 4 3 12 और माइनस, माइनस बीच में माइनस का चिन्ह और लगाओ। 13 3 - 7 × 4, 13 3 39, -28। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही है। बीच में माइनस का चिन्ह और लगा लो दोनों के गुणा के बीच में, पर आंसर बिल्कुल सही है। बाकी बच्चे भी दिखाएं। मैम और बच्चे अपना कैमरा ऑन करके दिखाएं जल्दी से। यहाँ क्या किया आपने? नीचे हर की हर से गुणा की 4 की 3 से, ऊपर 13 की 3 से हुई, -7 की 4 से। तो 13 13 13 की 3 से गुणा की 39, 7 की 4 से की 28, बटे में 4 3 12। 39 में से 28 माइनस किया कितना आ गया? 11।
तो ये आपका हो गया 11/12। सभी को समझ में आया? मैम। आपकी भी कॉपी देख रही हूँ। आपने वही गलती करी है, पहले जब तिरछी गुणा करते हैं तो पहले इधर की इससे करते हैं, पहले 13 की 3 से करोगे गुणा। हमेशा इस तरीके से ही अपना वो बनाओ हाथ की, पहले इधर की गुणा करनी है फिर इधर की गुणा करनी है। तो पहले 13 की 3 से करो, फिर -7 की 4 से करो, ताकि प्लस माइनस की गलती ना हो। क्लियर है? सबको समझ में आया? पहले 13 की 3 से गुणा करोगे, पहले 7 की 4 से नहीं करनी है, 13 की 3 से करनी है। आप दिखाएं 13 की 3 माइनस। हाँ बिल्कुल सही। सही है, बढ़िया। सभी बच्चों को समझ में आया? पहले 13 की 3 से करनी है, फिर इधर की गुणा करनी है। तो सभी बच्चे अपनी याद रखेंगे, पहले इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर आए 13 की 3 से, फिर -7 की 4 से। तो अब आगे चलते हैं। ये आपका आ गया 11/12, ठीक है? करवा हाँ, एक क्वेश्चन पोल में सभी बच्चे आंसर देंगे। 14/15 की माइनस करना है 11/3 से, बताओ क्या आएगा? पहले सभी बच्चे पोल में आंसर देने से पहले मुझे कॉपी दिखाएंगे, फिर पोल में आंसर दीजिएगा। पहले पोल में आंसर देने से पहले सब बच्चे मुझे कॉपी दिखाएंगे, फिर पोल में आंसर देंगे। दिखाएं बच्चों कॉपी क्या आ रहा है। फिर से वही कहूंगी, पहले कॉपी दिखाओगे फिर पोल में आंसर दोगे, क्योंकि ऑप्शन सारे सेम ही है। एक प्लस का है 13/15 तो दूसरा माइनस का 13/15, एक प्लस का 3/5 है तो दूसरा 3/15 है। तो आपको ध्यान से बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो सभी बच्चे पोल में आंसर देने से पहले कॉपी दिखाएंगे कैमरा ऑन करके। तो पहले हमेशा इसकी इससे गुणा करते हैं, फिर दूसरी गुणा करते हैं, 14 की 3 से, फिर 11 की 5 से, ठीक है? मम्मी पा चेक पंद्रह है। पता है, ये ध्यान रखें। हाँ, मम्मी पा चेक 15 है। 5, 14/5 -11/3। दिखाएं कैमरा ऑन करके बच्चों, एक एक करके। सभी आपकी कॉपी दिख रही है, जरा फोकस करें बच्चे कैमरे को थोड़ा। 13 3 क्या 15 की 15 नहीं है बेटा, 14 और 3 है। 14 की 3 से गुणा करनी है, 15 की 3 से क्यों कर रहे हो? 15 नहीं है, 14 है। मैम मैं बी सी कंफ्यूज हो गया था मैम। मैम ये आपका क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन में आपको कह रखा है ये आपका 14/5 -11/3। अच्छा, ये नीचे से कंफ्यूज हुए होगे, 14/5 -11/3, ये ऐसे समझो। इंग्लिश में गलत लिखा है, 14/5 -11/3। बिल्कुल सही। आगे बिल्कुल सही, पंजाबी बजात के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। अब आप आंसर पोल में दे आओ, आपकी ना आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, आप पोल में आंसर दे सकते हो। बाकी बच्चे भी पहले कॉपी दिखाएंगे, उसके बाद पोल में आंसर देंगे। पहले कॉपी दिखाएं सभी बच्चे।
14/5 माइनस 11/3 कितना आएगा? हाँ नहीं मुस्कान बेटा, आप अपना पहले कॉपी दिखाएं। मुस्कान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा पहले अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएं। मैं गलती बताऊंगी कहाँ गलती आ रही है, उसके बाद आप पोल में आंसर दीजिएगा। चैट में आंसर मत दीजिए, पहले आप कॉपी दिखाइए, फिर मैं गलती बताऊंगी, उसके बाद आप पोल में आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। प्लस माइनस की गलती है और कुछ नहीं है। बेटा जल्दी से कैमरा ऑन करके दिखाओ क्या गलती कर रहे हो। जब तिरछी गणना की होगी पहले 14/3 से की होगी और इधर 5/11 से, और बटे में 5×3, ये आपका क्या हो गया, 5×3 15, और ये आप बताओ 14×3 11/5 55। 42 - 55 बताओ कितना आएगा, 1 + है 1 - है, तो घटाव तो आपने किया है, लेकिन चिन्ह कौन सा आता है, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है। यही लास्ट में आकर बच्चे आप गलत कर रहे हो। सतीश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा लास्ट में गलत है। जब 42 - 55 करोगे तो क्या आएगा, घटाव हो रहा है, दोनों के चिन्ह अलग है, घटाव है, लेकिन जो चिन्ह आता है वो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। बड़ी संख्या कौन सी है? पिछले बड़ी संख्या 55 है, तो बड़ी संख्या निगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आप सही है। अब आप इसका आंसर पोल में दे सकते हो। आप दिखाएं अपनी कॉपी। हाँ थोड़ा सा फोकस करो बच्चों, अंधेरा सा दिख रहा है। आप दिखा। 42 - हाँ बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही आंसर है। आप भी इसका आंसर पोल में दे सकते हैं। मुस्कान के बी। नाम से जैसे, हाँ अब आपने आंसर सही दिया है, तो बेटा आप पोल में आंसर दे सकते हो। मुस्कान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ तो आप बताएं, सभी बच्चे आंसर दें, दो बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से। हर्षिता पंचाल के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है बताएं, आपने आंसर नहीं दिया। और ऋतु टांग के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है बेटा, आप बताएं, समझ में आ रहा है, साथ साथ बताएं, आपका पोल सेक्शन काम करता है? नहीं। हर्षिता पंचाल और ऋतु टांग के नाम से जिस बच्चों ने ज्वाइन किया है बताएं। आप पोल में आंसर क्यों नहीं देते हो बच्चों, दोनों बताओ। चलिए आगे चलते हैं। सबको क्लियर हुआ, 42 - 55 करेंगे तो कितना आता है, -13/15। -13/15 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हुआ। क्लियर है ना? एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। 19/7 - 21/5 बताओ क्या आएगा, 19/7 - 21/5। ये भी तभी, पहले आप सॉल्व करके मुझे कैमरे पे दिखाओगे, उसके बाद पोल में आंसर दोगे। 19/7 - 21/5 कितना आएगा? याद करूंगी। पंचाल के नाम से ज्वाइन किया है। बच्चे बताएं आप पोल में आंसर क्यों नहीं दे पाते हो, मैम आवाज कट कट आ रही है। पर आप पोल में आंसर क्यों नहीं देते हो, आप बताओ। क्वेश्चन का आंसर पोल में क्यों नहीं देते हैं बच्चे?
आवाज कट के आ रही है, तो घर में ऐसी जगह पे जाके बैठिए जहाँ नेटवर्क अच्छा आ रहा हो। जब तक आपको मेरी आवाज साफ नहीं आएगी, तब तक आप कैसे समझेंगे और कैसे पढ़ेंगे, है ना? तो पहले से ही ये सब देखा करें, कहाँ नेटवर्क अच्छा आ रहा है फोन का, वहां बैठ के क्लास अटेंड किया करें, और नहीं तो दूसरा लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लिया करें, तब भी नेटवर्क सही आ जाता है और आवाज आ जाएगी। ठीक है, सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी दिखाएंगे, आंसर बताएंगे, उसके बाद पोल में आंसर देंगे इसका। 19/7 माइनस 21/5। यहाँ भी ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस की गलती मत करिएगा, क्योंकि ये 52/35 है। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस भी आ रहा है, -52/35। यहाँ प्लस का 40/35 है, तो डी ऑप्शन माइनस का 40/35 है। तो एक प्लस है, एक माइनस है। बात सबके समझ में आ रही है? प्लस माइनस में गलती नहीं करनी है। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिखाएं, यहाँ तक बिल्कुल सही। आंसर कितना आया? आंसर गलत है, आंसर गलत है। जो जोड़ घटाव करना है उसे ध्यान से देखें, जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे, आंसर बच्चे गलत है। ये आपने क्या आंसर आ रहा है? हाँ अब सही हुआ, अब सही हुआ। सतीश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। ये आपने प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है लास्ट में? संख्या तो सही है, मैम हाँ तो माइनस है तो सही है। आप भी आंसर दे सकते हो पोल में, दोनों बच्चों का सही है। पंजाबी बजात के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया वो भी, और सतीश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया वो भी। इसका आंसर पोल में दे आओ। कर दिया मैम। बाकी बच्चे भी दिखाएं अपनी कॉपी। सभी बच्चे कॉपी दिखाएं अपनी। बाकी बच्चे बताएं। काला कुल्लू के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा बताएं आपने किया? बेटा सी माइक पे नहीं है, आंसर नहीं। अपनी कॉपी दिखा सकते थे, आपने दे दिया आंसर, मुझे देख दिया आपने, तो कॉपी दिखा दी थी अपनी। बाकी बच्चे आंसर दिखाएं अपनी कॉपी में। कला कुंडू के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपने अब क्यू आर कॉपी नहीं दिखाई अपनी? अर्षिता पंचाल के नाम से बच्चे ने ज्वाइन किया, बताएं आवाज आ रही है? अब कॉपी दिखा सकते हैं अपनी। पोल में आंसर क्यों नहीं देते हैं बच्चे? और रितु टांग के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया था, बेटा पहले तो आपका कैमरा खुल रहा था, अब तो आपके ना वोट आ रहे हैं ना आवाज। चलिए बच्चों, हाँ आपकी कॉपी देखिए दिखाएं। कितना आ रहा है बेटा, प्लस का आएगा या माइनस का? यहाँ तक सब सही है, ये बताओ। 95-147 प्लस का आएगा या माइनस का? ये 95 आ रहा है, ये -147, आपका यहाँ तक बिल्कुल सही है। ये बताओ, एक चिन्ह प्लस का है, एक माइनस का है। तो पूर्णांकों का जब जोड़ घटाव बताया था, तो बताओ जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं, तो क्या होता है? क्रिया घटाव की होती है, आपने घटाया, सही करा। और चिन्ह जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है, वो चिन्ह आता है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 95 बड़ी है या 147? 147, 147 हाँ 147 बड़ी है, तो उसका चिन्ह क्या है? माइनस का मैम, माइनस का माइनस है। तो आंसर काय में आएगा? माइनस माइनस में। ठीक है, आंसर किस में आएगा? माइनस में। मैम। ये पहले का है आपका, माइनस करें इसे, अभी भी नहीं करा आपने माइनस। आंसर क्या आएगा? माइनस का 52/35।
हाँ तो आप भी, आपका सही हो गया, तो आप इसका आंसर पोल में दे आओ बच्चे। पोल में आंसर दें जल्दी, फिर आगे देखेंगे। जल्दी से पोल में आंसर दें बच्चे। कला कुंडू के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आंसर पोल में दीजिए। आपका आंसर अब सही है तो रितु टांग के नाम से जिस बच्चे ने अभी ज्वाइन किया, बताएं आपका क्या हुआ, आप बीच में कैसे गायब हो गई थी फिर आ गए। नेटवर्क इश्यू क्या हो रहा है? बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी। कला कुंदू के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा पोल में आंसर दें। दे दिया मैं दिया। आपने कौन सा ऑप्शन लगाया? सी मैम कला कुंदू ने कौन सा ऑप्शन लगाया के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है? मैम डी आपका कौन सा ऑप्शन सही आया था कॉपी में? सी मैम 52, सी 52 नहीं आ रहा था। आपने अपनी कॉपी में दिखाया था 147 में से 95 माइनस किया था, तो आपका 52/35 नहीं दिख रहा था। माइनस करा था, 7 में से 5 किया 2, 14 में से 9 गया 5, तो ये क्या आएगा? माइनस का 52, माइनस का 52 और बटे में 7 पंजे 35। बताओ ये आपका माइनस का 52/35 ही तो आएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। राइट सीमेंट क्लियर है? समझ में आया बच्चे? तो इसमें ये आपका नहीं माइनस का 40/35 नहीं, आपका माइनस का 52/35 होगा। ठीक है, जब आपने घटाया था तो अपनी कॉपी में 52/35 ही तो लिखा था, तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो चिन्ह बड़ी संख्या का चिन्ह होगा वो चिन्ह आएगा, तो चिन्ह क्या हो गया? निगेटिव। क्या आ गया? -52/35। ठीक है, तो आप मैम जो सभी, भी संख्या है उसका निशान आएगा ना मैम। हाँ जो भी, यदि दोनों के चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्रिया घटाव की होती है और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। जो भी बड़ी संख्या होती है उसका जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आता है। ठीक है, अब सभी बच्चे होमवर्क देखेंगे। होमवर्क में आपका आज भी परिमेय संख्याओं का घटाव भी है, तो परिमेय संख्याओं का घटाव आपको करना है। आपका पेज नंबर कौन सा है परिमेय संख्याओं का घटाव? जोड़ और घटाव, ये पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 पे ही आपको करना है। पेज मैम नंबर 32 और 33 पे आपका ये परिमेय संख्याओं का योग और घटाव है। इसे पूरी कर सॉल्व करें। 23.1 और 23.2 दोनों आपको होमवर्क में करने हैं। 23.2 में कुछ नहीं है, बस मिश्र भिन्न दे रखी है। आपको मिश्र भिन्न को अनुच्छेद भिन्न में बदलना आता ही है, उसे बदल लीजिएगा और फिर उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे 1 8/9 है तो वो कितना हो जाएगा? 17/9। इस तरीके से आप जोड़ और घटाव करिएगा। जो नहीं आए क्वेश्चन वो आप मुझसे नेक्स्ट रन पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ओके बच्चों आज की क्लास के लिए आपका इतना ही था। अब यदि आप में से किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। नो मैम।